हरिद्वार में किसान संघर्ष समिति ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेता बलवंत सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को जमीन अनाधिकृत रूप से अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जिला अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसान नेता ने कहा कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और दिल्ली तक किसान संघर्ष समिति किसानों के हक में लड़ाई लड़ेगी। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। 17 साल हो गए जो हमने किसान संयंत्र बनाई थी, उसके लिए जमीनों के बीएचएल में हमारी जमीन गई थी, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम। कोरोना काल की वजह से थोड़ा धीमा पड़ गया था, अब हमें पता चला कि सरकार जमीन को अर्थभूत कर रही है, इधर उधर रुक रही, तो इसलिए हमने संघर्ष किया के बेड़ा उठाया कि हम जमीनों को अर्थभूत नहीं होने देंगे, चाहे हमें प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए। हम पूरा बराबर प्रदर्शन 17 साल से करते चले आ रहे और आगे अब हम पूरा करेंगे और अपनी जमीनों को इधर उधर अर्थभूत नहीं होने देंगे। डीएम को ज्ञापन दे रखी है अंदर सूचना, और हमें 12 बजे ज्ञापन डीएम को ज्ञापन देना है आज इसी संबंध में।